ये है लैंड रोवर की डिफेंडर। ये गाड़ी एक लेजेंडरी एसयूवी है और ये गाड़ी भारतीय बाजार में अब बिकने को तैयार है और इसके आपको चार वर्जन्स मिलेंगे। इस गाड़ी के जो चार वर्जन्स हैं उनका नाम है डिफेंडर 90, डिफेंडर 90S, डिफेंडर 110 यानी कि 110 एंड डिफेंडर SE90 या फिर डिफेंडर 90SE। जो गाड़ी का प्राइस है वो स्टार्ट होगा करीब करीब 70 लाख रुपए से और जो इसका टॉप एंड वर्जन होगा वो होगा करीब 76.61 लाख रुपीस का एक्स शोरूम। ऑफ कोर्स ये सारे प्राइसेस हैं। अगर हम बात करें इस गाड़ी के लुक्स की तो ये प्रॉपर एसयूवी लगती है, एक ओल्ड स्कूल एसयूवी की आपको याद दिलाएगी, लेकिन जो इसके अंदर टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल ही ऑल न्यू है। इस गाड़ी के अंदर जो इंजन आएगा वो होगा 2 लीटर का पेट्रोल इंजन और ये होगा एक टर्बोचार्ज पेट्रोल। इस पेट्रोल इंजन को लैंड रोवर कहता है इंजीनियम फैमिली का एक मेंबर और ये बनाता है करीब करीब 296 BHP ऑफ पावर 5,500 RPM पर एंड अराउंड 400 Nm ऑफ टॉर्क करीब करीब 1,500 से 4,000 RPM के बीच में। इस गाड़ी के अंदर आपको मिलेगा एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो कि ऑल व्हील ड्राइव होगा यानी कि चारों पहियों के ऊपर आपको पावर मिलेगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें इस गाड़ी के लुक्स की, जैसा मैंने पहले बताया एक बॉक्सी शेप, एक स्क्वायर शेप और बहुत ही ज़्यादा प्योरिस्ट एसयूवी है। अगर आप हैं पुराने ख्यालात के, अगर आप हैं ऐसे इंसान जो पुरानी गाड़ी को पसंद करते हैं एसयूवी के लुक्स के हिसाब से, देन डेफिनेटली द लैंड रोवर डिफेंडर विल टिकल योर बोन और ये गाड़ी आपको डेफिनेटली बहुत चार्मिंग लगेगी जब आप शोरूम पर जाएंगे इसको देखने के लिए। Budmo are the all-in experts when it comes to spare parts and the best point is that they are the spare parts for all vehicles in India. Chahe aapke paas ek choti gaadi ho, chahe aapke paas ek luxury car ho, sabke spare parts inke paas hai. Aur ek aur baat jo achhi hai wo ye hai ki they have the most extensive catalog of spare parts and they have the same spare part from a different variety of component makers. Yani ki aap check kar sakte hain ke catalog ko, aapko pricing ki flexibility milti hai. Agar aapko koi part acha nahi laga to they also promise you 10 days assured return without any hassles and they also promise you doorstep delivery without any problems whatsoever. Check them out on the website and also download their app. It's available for both iOS as well as Android device. अगर हम बात करें इस गाड़ी के एलॉय व्हील्स के डिज़ाइन की तो ये बहुत ही बड़े टायर हैं, 18 इंच के व्हील्स के ऊपर ये पहिए आपको मिलेंगे और साथ ही साथ इस गाड़ी की ग्राउंड क्लीयरेंस भी काफ़ी बेहतरीन है। अगर हम बात करें इसकी वाटर वेटिंग कैपेसिटी को और बात करें इसकी 4x4 एबिलिटीज़ को तो ये गाड़ी सेकेंड टू नन है एक लग्जरी एसयूवी सेगमेंट में। इनफैक्ट इफ़ यू कॉल योरसेल्फ अ ट्रू ऑफरोडर और आप उन कुछ चुनिंदा लोगों में से हैं जो गाड़ी को ऑफरोडिंग पे ले जाना पसंद करते हैं तो इस गाड़ी में आपको बहुत सारे ऑप्शंस और फीचर्स मिलते हैं ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ के लिहाज से। अगर बात करें इंटीरियर्स की तो गाड़ी का जो डिज़ाइन है थोड़ा सिंपलिस्टिक ज़रूर है लेकिन स्टाइलिश है और गाड़ी की जो क्वालिटी है कैबिन की वो बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप कभी लैंड रोवर ईवोक में बैठे हैं या फिर आप कभी लैंड रोवर स्पोर्ट में बैठे हैं और आपको उसकी क्वालिटी गाड़ी की अच्छी लगी तो आप इस गाड़ी के अंदर बैठ के क्वालिटी से बहुत ही ज़्यादा खुश रहेंगे क्योंकि इस गाड़ी की क्वालिटी उन गाड़ियों से आधा पौना कदम आगे है। अगर बात करें प्रैक्टिकलिटी की तो बहुत सारे स्पेसेस हैं जहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हैं और सबसे जो अच्छा स्टाइलिश एलिमेंट इस गाड़ी में मुझे लगा वो तो टच स्क्रीन है ही, लेकिन टच स्क्रीन के अलावा जो इसके अंदर रेक्टेंगुलर एसी वेंट्स लगे हुए हैं वो भी स्टाइल के लिहाज से काफ़ी बेहतरीन लगे। अगर बात करें बैक सीट की तो बैक सीट में स्पेस काफ़ी अच्छा खासा है जो वजन ने देखा था उसमें और इस गाड़ी में आपको ऑप्शंस मिलते हैं पैनोरामिक सनरूफ का, साथ ही साथ फोल्डेबल फैब्रिक रूफ का और बहुत सारे और ऑप्शंस मिलेंगे आपको इस गाड़ी की फीचर्स की लिस्ट में। ओवरऑल ये गाड़ी है एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन प्रोडक्ट, एक प्रॉपर एसयूवी प्रोडक्ट और एक ऐसी गाड़ी जो कि आपका दिल खुश कर देगी। तो आपको कैसी लगी ये गाड़ी हमें ज़रूर बताएं और कमेंट सेक्शन में लिखें कि ये गाड़ी आपको कैसी लगी। जैसा मैंने पहले कहा ये गाड़ी अवेलेबल है 7 डिफरेंट कलर ऑप्शंस के साथ। इसके अंदर आपको बहुत सारे कलर ऑप्शंस मिलेंगे, बहुत सारे फीचर्स ऑप्शन मिलेंगे एंड ऑफ कोर्स यू आल्सो गेट अ चॉइस ऑफ डिफरेंट रूफ ऑप्शंस। अब ये क्योंकि इतनी भारी गाड़ी है और इतनी ज़्यादा महंगी गाड़ी है तो इसमें फ्यूल एफिशिएंसी के लिहाज से ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये इंजन देगा 10 से 11 की माइलेज इस गाड़ी के अंदर और हो सकता है थोड़ी सी कम भी दे
Anyways, the Land Rover Defender is here in India and it really does deserve all your attention. If you call yourself a true blue SUV hardcore fan, then this is a car which you should definitely check out. 70 lakh rupees is ki price range shuru hoti hai aur jaati hai kareeb kareeb 87 lakh rupees tak for the top of the line Defender 110 HSE version. जो ये गाड़ी प्लेटफॉर्म पे बनी है उस प्लेटफॉर्म का नाम है D7X प्लेटफॉर्म और ये काफ़ी स्टिफ चैसी पे बनी है जिससे कि गाड़ी ऑफ रोडिंग में भी बेहतरीन रहेगी और अगर आप यूज़ करते हैं वो वाली गाड़ी जिसके अंदर की एक सॉफ्ट टॉप है तो इस गाड़ी की जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है बॉडी की वो भी काफ़ी बेहतरीन रहेगी। इस गाड़ी की ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी तो बहुत ज़्यादा मशहूर है ही, लेकिन अगर आप कभी नदियाँ फंस जाते हैं, कोई तालाब पार करना पड़ता है तो भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। 900 mm की इसकी वाटर वेटिंग डेप्थ है, जिसका मतलब ये है कि ये गाड़ी अपने टेरेन रिस्पॉन्स सिस्टम के साथ साथ और एयर सस्पेंशन के साथ साथ आपको किसी भी नदी से, तालाब से या किसी भी खाई से निकाल के ला सकती है। 12 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम भी आपको इस गाड़ी में मिलता है और हेड अप डिस्प्ले भी है, यानी कि HUD डिस्प्ले भी है, जिसका मतलब कि आपको प्रैक्टिकलिटी के साथ साथ ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी के साथ साथ लग्जरी भी मिलती है। कस्टमाइजेशन के हिसाब से और ओवरऑल वैल्यू के हिसाब से ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। तो आपको कैसी लगी ये गाड़ी हमें ज़रूर नीचे कमेंट्स में बताएं। हमें तो इस गाड़ी को शूट करने में बहुत मज़ा आया एंड डेफिनेटली इफ यू इन द मार्केट फॉर अ प्रॉपर SUV विच ऑल्सो ऑफर्स यू गुड ऑफरिंग कैपेबिलिटीज बट स्टिल मैनेज टू ऑफर यू ग्रेट लग्जरी, देन दिस इज अ ग्रेट कार फॉर यू। इट्स बाय फॉर नाउ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।